कहते हैं अगर भरोसा हो ना तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आज शुरू करते हैं कन्याकुमारी की स्टोरी के साथ, देवी कन्याकुमारी। अगर मैं बात करूं कि जिनका जन्म बाना असुरों को मारने के लिए हुआ था, उनका वध करने के लिए, और जब तक वो वहाँ पे थी ना, कहते हैं वहाँ पे कोई बीमारी नहीं हुई थी कन्याकुमारी में, और जब वो थी ना तो कहते हैं वहाँ पे कोई असुर भी नहीं भटकता था। चलो आज स्टार्ट करते हैं कन्याकुमारी की स्टोरी के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड साक्षी दंजल, और मैं आ गई हूँ कन्याकुमारी कोची से। मैंने कवर करी 4 प्लेसेस, मेरा प्लान था 6 प्लेसेस का, मगर अंधेरा बहुत हो चुका था और केरला में वैसे भी हाई टाइड्स थे काफ़ी, और मेरे रोड्स के साथ निकल रही थी तो हाइट साइड देखने को मिल रहे थे। जो मेरी प्रॉपर्टी अब शिफ्ट हुई है कन्याकुमारी में, मैं यहाँ 2 दिन के लिए हूँ। कल रात आई थी, आज पूरे दिन हूँ, तो आज वट एवर आई कैन एक्सप्लोर इन द लास्ट रोड ऑफ द इंडिया। मेरा मुझे यहाँ पे 2-3 जगह का जो आइडिया है, आई एम गोइंग देयर। सो बेसिकली मैं रुकी हूँ द फार्म डीन के साथ, होटल फार्म डीन के साथ, और ये आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में पड़ जाएगा, 1000 के आसपास का, प्लस डिपेंड करता है सीज़न पे भी, बट हाँ ये सीजनल पीक है कन्याकुमारी का, क्योंकि मुझे स्टे फाउंड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइस, एंड लुक एट द, तब से ना हवाएं रुकी नहीं रही है यार, और कल तो रात को क्लाउड्स इतनी तेज चल रहे थे कि पूछो मत। इजंट इट इज ब्यूटीफुल, अरे वहाँ झूला भी है, लुक एट द हवा, यहाँ पे सच में हवा बहुत तेज चलती है यार कन्याकुमारी में। एंड देयर इज द झूला, लेट्स सिट ऑन द झूला। तो दिन की पहली डेस्टिनेशन इज़ बोटिंग। बोटिंग यहाँ जा रही है वो विवेकानंद, मुझे भी उस आइलैंड का आइडिया नहीं है, बट वहाँ पे विवेकानंद के बारे में अगर आप पहले आ चुके हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बोटिंग 50 रुपीज़ पर पर्सन है, एंड कार पार्किंग थोड़ा सा सीधा जाके आगे की तरफ है, तो आप जब टिकट ले रहे हो तो आपके साथ अगर कोई और जना है इट्स वेरी फेवरेबल, क्योंकि फिर टिकट लेना बहुत ईजी पड़ता है, क्योंकि कार पार्किंग आगे है, फिर बंदा पीछे आना पड़ता है। कुछ मिलेगी मुझे उस जगह से, वहाँ वाली जगह से, आप देख सकते हो कि टाइट्स जो है वो यहाँ पे भी थोड़े से हाई हैं, बट यहाँ पे कुछ बंद नहीं हुआ। और ये देखो कितने सारे लोग टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, एंड दे केम टू जस्ट एक्सप्लोर दिस प्लेस। तो ये प्लेस बनी थी 1970s, जब भी यहाँ, मतलब हमें यहाँ जब आना है तो हमें लाइफ जैकेट चाहिए, तो एक बार याद रखना, बस उसमें घुसने से पहले लाइफ जैकेट पक्का चाहिए, विंडो सीट चाहिए, विंडो सीट। फाइनली ये पता है, इधर तो रो रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, मैं नहीं हूँ, फोन मैंने इतना टाइट पकड़ा हुआ, पिछले अंटार्कटिक ओशन में टाटा बाय बाय हो जाए मेरा फोन। सो मंदिर की एंट्री 30 रुपये की है, जहाँ पे से आप देवी कन्याकुमारी जी के दर्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो ये मंदिर है मेरे सामने, जो ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने बैठ के 3 दिन रॉक के ऊपर मेडिटेशन किया था लगातार 3 दिन, और प्रण लिया था कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करूँगा। इस जगह की वाइब भी कुछ अलग है, आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा, ये जगह इतनी खूबसूरत है, क्योंकि ये जगह बे ऑफ बंगाल अरेबिक सी के बिल्कुल बीचों बीच है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस जगह तक आने के लिए आपको एक बोट मिलती है, आप उसी बोट में बैठकर वापस जाते हैं, सेम टू सेम बोट में। मगर इस जगह पर एक म्यूज़ियम है जो कि आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएगा, और वहाँ से आप कुछ बुक्स भी परचेज़ कर सकते हो। और इस जगह के बिल्कुल बिल्कुल इसी जगह पर आपको वाटर रिजर्वेशन भी दिखेगा, रेन वाटर रिजर्वेशन। और उसके अलावा ठीक इस मॉन्यूमेंट के पीछे आपको दिखेगा इस जगह के बारे में एक गैलरी भी बनी हुई है। तो इसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है, और वही रॉक है जिस पर बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किया था। उसके अलावा पीछे लाइब्रेरी है, बट अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो आपका मोबाइल आप एक साइड रख सकते हैं अगर आपने अंदर जाना है तो। सो यहाँ
यहाँ से अंदर कहा जाता है कि कन्याकुमारी देवी के चरण है अंदर की तरफ। अंदर शुरू करना बना जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लाइब्रेरी है और उसके अलावा म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पे आप और जानकारी ले सकते हो इस जगह के बारे में। और अगर आप बुक्स परचेज़ करना चाहते हो तो मोर ओवर रिलीजियस बुक्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, सो यू कैन एक्चुअली बाय। रेन वाटर रिजर्वेशन किनारे खाने के लिए कुछ अच्छा फूड देख रहे हो बट तो यहाँ पे आप आ सकते हो। दिस इज़ वाइन एंड डाइन एंड यहाँ पे सारा बार सर्विसेज एंड ऑल अवेलेबल है, इवन नॉनवेज अवेलेबल है, सो यू कैन एक्चुअली कम देयर। यहाँ पे बार्बेक्यू भी है प्रॉपर मेरे सामने। हु वांट टू हैव दिस? हट जाओ, तुम्हें नहीं खानी मक्खी। हु वांट टू हैव दिस विद दिस व्यू? आई तो लव टू हैव इट। मतलब मैंने चावल ले लिए हैं, मैं चाउमिन ले ली है एंड वन मोर थिंग इज कमिंग वेरी सून, सो आई एम गोना शेयर So रेस्टोरेंट के सामने से अगर आप सीढ़ियाँ लो ना तो आपको ये ब्यूटीफुल सी दिखेगी और आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो अपने कपल्स, फैमिली, रिलेटिव्स, किसके साथ, किसी के भी साथ। सो आप इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो, इवन आप यहाँ पे वॉक कर सकते हो। शाम का व्यू कहते हैं कि जो पूरा सन होता है ना वो जब यहाँ पे ढलता है ना, जो सनसेट होता है, तो तब आपको ये सी पूरी गोल्डन नज़र आएगी, पूरी गोल्डन। सो ये गाइस मेरे इसके पास मंदिर है, यहाँ मेरी प्रॉपर्टी है और इससे सुबह सुबह तो बहुत क्लासी मंदिरों की आवाज़ें आती हैं। सुबह 5 बजे शुरू हो जाते हैं मंदिर इस मंदिर में। बट आकृति देखो कितनी प्यारी है ना। बीचों बीच ही ना देखी फूल इस पॉन्ड में कितना खूबसूरत है ना ये। अब यहाँ पे देखो इसके आसपास एनिमल्स, छोटा सा घोरा। शाम को आप उसी जगह पर वापस जा सकते हो और एक वॉक ले सकते हो। ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है शाम को। कहते हैं अगर सूरज डूबता हुआ आप देखो ना तो यहाँ पे पूरा गोल्डन चादर बिछा हुआ लगता है। बट मैं जब गई थी ना तो उस टाइम मानसून है, तो मानसून के वक्त आपको गोल्डन चादर नहीं दिखेगा, बट तब भी हवा, पानी की आवाज़ बहुत मस्त बनाई देती। और उसके बाद मैं वापस अब रेस्टोरेंट गई वाइन एंड डाइन पे और मैंने मज़ा लिया व्यू के साथ आइसक्रीम का। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू डे आफ्टर टुमारो विद द न्यू व्लॉग। और भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो। सी या।